एक और महीना निकल गया और आपने कुछ नहीं पढ़ा। एट दिस पॉइंट यू आर नॉट जस्ट स्ट्रेस्ड बट यू रिग्रेट लाइफ। आपके सामने एक मोटी सी बुक है एंड यू डोंट नो कि आप इसे कैसे फिनिश करोगे एंड एग्जाम में क्या लिखोगे। डोंट वरी, आई गॉट यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को 7 डेज के अंदर फिनिश कर सकते हो। ऑल्दो आपको चीजें लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़नी चाहिए, बट कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहां आपके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं होते। सो इवन इफ आपके पास कम टाइम हो, यू कैन स्टिल मेक द मोस्ट ऑफ इट बाई यूजिंग दीज स्टेप्स। इस वीडियो में पॉइंट नंबर 1, 4 एंड 5 बिल्कुल यूनिक है एंड आई गारंटी यू आपको ये अप्रोच शायद ही किसी और यूट्यूब वीडियो में मिलेगी। सो स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सपोज नेक्स्ट वीक हिस्ट्री एग्जाम है एंड आपको टोटल 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आपको एक एक्शन प्लान बनाना होगा। अपने बुक के कंटेंट्स पेज को देखो एंड यहाँ मेंशन चैप्टर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो। एक जो इम्पोर्टेंट है एंड आपको डेफिनेटली पढ़ना है, दैट इज नीड टू कम्प्लीट, एंड एक जो आप तभी पढ़ोगे अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, दैट इज वॉन्ट टू कम्प्लीट। नीड टू कम्प्लीट वो चैप्टर्स हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं एंड सबसे स्कोरिंग भी। इन चैप्टर्स को आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू या टीचर्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वॉन्ट टू कम्प्लीट वो चैप्टर्स हैं जो उतने भी ज़रूरी नहीं हैं, बट आप सेफ साइड में रहने के लिए उन्हें भी फिनिश करना चाहते हो। नाउ वंस यू हैव डन दैट, द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग, एंड इसके लिए आपको एक कैलेंडर की ज़रूरत होगी। एक दिन रिविजन के लिए निकालने के बाद बचे हुए 6 दिनों में इन चैप्टर्स को डिवाइड करो। टू मेक थिंग्स सिंपल, लास्ट के 2 दिनों को वॉन्ट चैप्टर्स के लिए रिजर्व कर दो। इससे क्या होगा कि अगर आपको नीड चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो आप इन रिजर्व डेज से ले सकते हो। नाउ सपोज आपको 9 नीड चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड 6 वॉन्ट चैप्टर्स पढ़ने हैं, सो डिवाइड द 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द फर्स्ट 4 डेज। इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो जो आपके लिए डूएबल हो। सारे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स पहले 2 दिन में मत डाल देना। हर दिन के लिए इजी डिफिकल्ट चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन रखो, सो दैट आपके ब्रेन के लिए चीज़ें लेस स्ट्रेसफुल हो। नाउ यू नीड टू एंश्योर कि हर दिन के डिसाइडेड चैप्टर्स किसी भी तरह फिनिश हो रहे हैं, एंड सपोज अगर आप एक दिन का टारगेट हिट नहीं कर रहे हो, देन डोंट वरी, जितना हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट दिन वही करो जो पहले से डिसाइडेड है। अगर आप एक ही चैप्टर को फिनिश करने में 4 दिन लोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। नोबडी विल बी एबल टू सेव यू। You need to be smart and study selectively. That is, study only what is absolutely important. अगर फिर भी कुछ important छूट रहा हो तो उसे want chapters के days से finish कर लेना। अब next आप में से कई लोग यही जानना चाहते होंगे कि कैसे smartly selective studies करें और basically how to prioritize. So let's break it down for you. सबसे पहले तो syllabus को देखो। Board exams या competitive exams में syllabus बहुत ही helpful होता है। फिगर आउट कौन सी चीज़ें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी हैं एंड मार्क दोज टॉपिक्स इन योर बुक। इसके बाद प्रीवियस एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पता लगाओ और उन आंसर्स को भी अपने बुक में मार्क करो। अक्सर कई बुक्स में हर चैप्टर से जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर के पीछे दिए हुए होते हैं, सो आप वहाँ से ईजिली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिगर आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए हैं तो उन्हें भी मार्क करो। अब सिर्फ इन्हीं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को याद करो, क्योंकि आपके पास वक्त कम है और पोर्शन ज़्यादा, तो फर्स्ट फिनिश द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। अगर आप चाहो तो आप चैप्टर को एक फुल रीडिंग दे सकते हो अगर वो चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी हो तो, अदरवाइज यू कैन ओनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट एरियाज। ऑफकोर्स एक परफेक्ट वर्ल्ड में आप चाहोगे कि आप बुक को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश याद करो, बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड। बुक की हर एक लाइन को मेमोराइज करने के चक्कर में काफ़ी बच्चे आधे से ज़्यादा टाइम गवा देते हैं एंड सिलेबस की इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही छोड़ देते हैं। सो डोंट बी अ फूल एंड फर्स्ट स्टडी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। चाहे आप लास्ट मिनट प्रेपरेशन कर रहे हो या नहीं, एग्जाम्स हमेशा टफ होते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड फोकस, एंड इस दौरान आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए आपको इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट सुनने चाहिए। Here is an audiobook from Cuckoo FM, Power of Focus. इस बुक के थ्रू आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों द्वारा यूज की जाने वाली यूनिक फोकसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानोगे। Cuckoo FM पर आपको ऐसे 1000 से भी ज्यादा फेमस बुक्स की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। प्लस Cuckoo FM पे चल रहा है रिपब्लिक डे ऑफर फ्रॉम 22nd to 29 जनवरी।
इस दौरान अगर आप कूपन कोड इंडिया यूज करते हैं तो आपको कुकू एफएम के एनुअल प्लान पे 50% ऑफ मिलेगा, यानी ₹399 के बजाय सिर्फ ₹199। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि सुनेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। मोर डिटेल्स वीडियो के एंड में। कमिंग बैक टू द वीडियो, इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे डिफिकल्ट चीज़ है वो है लर्निंग। मैंने कुछ हफ्तों पहले ये वीडियो बनाया था हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स इन शॉर्ट टाइम। उसमें मैंने दो चीज़ें कवर की थी। नंबर वन, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ बताया था कि आपको कैसे एक पैराग्राफ को क्वेश्चंस फ्रेम करके याद करना चाहिए, एंड सेकंड कि आपको जल्दी कैसे याद करना चाहिए। मैंने उसे सेपरेटली इसलिए बनाया था ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। सो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना मत भूलना, बिकॉज YouTube पे शायद ही कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें आपको एग्जाम्पल्स के साथ लर्निंग का सही तरीका बताया गया हो। सो डू चेक इट आउट। अब हम अपनी लर्निंग की लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, विच इज रिविजन। आपको रिविजन सिर्फ लास्ट डे नहीं बल्कि एवरी डे करना है। यूजुअली लोग दिन में एक घंटा रिविजन के लिए रिजर्व रखते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसी एक घंटे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें एंड दिन में दो बार रिवाइज करें, एक मॉर्निंग सेशन के एंड में और एक नाइट सेशन के एंड में। हम सबको पता है कि रिविजन करना जितना ज़रूरी है उतना बोरिंग भी, एंड इसलिए हम इसे कई बार स्किप कर देते हैं। बट अगर आप हर सेशन के बाद रिवाइज करने की हैबिट बना लें तो इसके लिए आपको अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सुबह पढ़ा है उसे लंच से पहले रिवाइज कर लो, और जो पूरे दिन पढ़ा है उसे डिनर से पहले रिवाइज कर लो। इसे आप एक ही चीज को दो बार रिवाइज कर रहे हो जिससे उसके याद रहने के चांसेस डबल हो जाते हैं, एंड नॉट टू मेंशन सेम डे रिवाइज करना टाइम एफिशिएंट भी है। इन द एंड जो लास्ट डे आपने पहले से ही रिविजन के लिए रिजर्व रखा था, उस लास्ट डे में फर्स्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को देखो एंड आंसर्स रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर आपको आंसर्स अच्छे से याद हैं देन ग्रेट, एंड अगर आप कुछ क्वेश्चंस में स्ट्रगल कर रहे हो देन मार्क दोस क्वेश्चंस, एंड पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद एंड में उन क्वेश्चंस के आंसर्स फिर से मेमोराइज करो। रिविजन हमेशा इसी तरह से करनी चाहिए, हमेशा आंसर्स रिकॉल करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ री रीडिंग द मटीरियल। रिकॉल करने से आप अपनी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करोगे एंड एक्टिवली उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करोगे। सो दिस इज द फुल प्रोसेस जिससे आप किसी भी सब्जेक्ट को 7 days या कम टाइम में फिनिश कर सकते हो। इवन इफ आपके पास इनफ टाइम हो, यू कैन स्टिल यूज दिस मेथड, बिकॉज इससे इन एनी केस आप अपने सिलेबस को पूरे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे एंड उसे लंबे समय तक याद रख पाओगे। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वीडियो जो कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, एंड लेट मी नो कि इन टेक्निक से आपकी प्रिपरेशन में कितना फर्क पड़ा। इस रिपब्लिक डे में इंडिया की रिच हिस्ट्री को रिविजिट कीजिए थ्रू दी स्पेशली क्यूरेटेड ऑडियो बुक्स। डाउनलोड कुकू एफएम ऐप और कूपन कोड इंडिया यूज करके पाइए 50% ऑफ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।